अरे बाप रे, पूरा ये तो अग। अच्छा खासा होल हो गया है यार। जब आप हाई स्पीड पे जाते हो तब वो स्टेबिलिटी में थोड़ा सा इश्यूज होता है। इतना रिस्की मामला है, 130-140 स्पीड करते हैं ये लोग। 130-140 तो जो बोलते हैं, बाकी की जो स्पीड करते हैं वो ओके। How is it? You wanna be a pilot? कितनी आयरोनिक बात है ना, जिम में जाके मैं अभी वॉक करूंगा 10-15 मिनट, ठीक है, ट्रेडमिल पे, लेकिन पार्किंग मेरे को जिम के बिल्कुल पास चाहिए रहती है। कैसा वियर्ड थॉट है ना ये, इससे अच्छा तो मैं वहाँ पार्क करके चल लूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हो जाएगा। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चलो भाई, वर्कआउट डन, बैक एंड बाइसेप, खतरनाक पंप आ गया। और पता है पंगा क्या हुआ, जैसे ही मैं ट्रेडमिल पे वॉक करना शुरू किया तो मैंने मेरा एयरपॉड्स कान में लगाया, एक ही कान में आवाज़ आ रहा था, दूसरे कान में आवाज़ नहीं आ रहा था। एंड देन 5 मिनट बाद वो भी मर गया, उसकी भी बैटरी खत्म हो गई। तो पूरा वर्कआउट जो है मैंने बिना कोई म्यूजिक के, बिना कोई पॉडकास्ट के मैंने पूरा वर्कआउट किया है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था। लेकिन ये तो चलो ठीक है यार, कि बाइसेप वर्कआउट तो ऑलरेडी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं थी। अब यूजुअली ऐसा होता है ना, चेस्ट और बाइसेप, ये दो मसल ऐसे होते हैं ना हर लड़के को सबसे ज्यादा पसंद आता है वर्कआउट करना, तो अपन ने भी वर्कआउट कर लिया, मजा आ गया। लेकिन आज का पॉडकास्ट मिस हो गया, वरना कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, तो घर जाके ज्ञान देता हूं मैं, तो वो ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, तो आंचल बच गई आज। नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि तीर्थ का हमने निकनेम रखा हुआ है टाइगर, क्योंकि उसको टाइगर बहुत पसंद है। एंड जब वो उसका फर्स्ट बर्थडे था, उस वक्त हमने बर्थडे थीम भी और जो पूरा डेकोरेशन थीम था वो भी पूरा जंगल थीम, टाइगर थीम किया था। उसका केक जो था उसमें भी टाइगर थीम था। अब वो टाइगर का ऑब्सेशन इतना हो गया है ना कि उसके कपड़े भी टाइगर के पहनाए आज उसको हमने, देखो टिकी शो, ये देखो कितना क्यूट लग रहा है टाइगर, शो मी, पुट योर हैंड्स डाउन, वो बी अ टाइगर, कितना क्यूट लग रहा है, बाप रे। बच्चा पार्टी गॉन एंड यहाँ पर हमारा चल रहा है नाश्ता, यहाँ पर मैं पी रहा हूँ अपना प्रोटीन शेक एंड आज तुम्हारा प्रोटीन शेक। वैसे मेरे को तुमको बताना था एक बात, आज मैं लेके गया था अपना नया जिम बैग, एंड जिम बैग लेके गया तो तुमको पता है क्या, आज एक लड़की मेरे से बात करने लग गई, बताओ। थैंक्स टू यू, ऑफकोर्स नहीं, जस्ट किडिंग। अरे नहीं यार, बातें भी क्या है, एक बंदी बाजू में खड़ी थी वो ट्रेडमिल पे, और वो बात करने लगी कि ओ यू हैव नाइस क्यूट किड्स। मैं बोला तुमने कहाँ देख लिया, तो बोलती ओ इट्स ऑन योर फोन, तो शायद मैंने जैसे फोन रखा रहेगा ना तो उसका लाइट चालू हो गया, तो स्क्रीन सेवर पे दोनों बच्चे हैं, तो बोलती है ओ क्यूट किड्स, तो आई एम जस्ट किडिंग, बैग वैग का कमाल नहीं है वो तो। हाँ नहीं बीवी नहीं, बच्चों का खाली फोटो है ना स्क्रीन सेवर पे, पड़ी हुई है। बैग कैसे निकाल लिया इसका, मेरे को लगा था अगले जन्म में आएगा। नहीं नहीं अगले जन्म में नहीं आएगा। देखो मेरा फंडा कैसा है ना, कि अगर कोई चीज की डायर नीड है तो देन आई विल, मैं नया लाके फिर मैं यूज करना चालू करूंगा, बट अदरवाइज हाँ अगर डायर नीड नहीं है, जैसे मेरा जो बॉटल है शेकर है उसकी मेरे को डायर नीड नहीं है, जो मेरा पुराना वाला बॉटल है वो अभी भी सही चल रहा है, तो फिर मैं क्यों उसको चेंज करूं। उसको मैं भी ठीक करती हूं। कैसे जो टूटू की छुट्टियां शुरू हो जाएगी, स्कूल की समर ब्रेक शुरू हो जाएगा, तो कैसे मैनेज करेंगे हम लोग, क्योंकि वो लड़की पूरा दिन भर घर में रहेगी तो बोलेगी आई एम बोर्ड आई एम बोर्ड आई एम बोर्ड, हम लोग आएंगे समझ नहीं आया मुझको। बट I'm excited for this weekend because ये long weekend है, Friday मैंने छुट्टी ली हुई है, उनका की छुट्टी है, टुडू की छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, Saturday, Sunday and Monday is a Canada day, तो like long 4 days छुट्टियाँ मिल रही हैं हम लोग को, तो हमारे plans थोड़े बहुत set हो चुके हैं, तो plans set है हमारे, हाँ plans set है, जो धीरे धीरे अगर आप follow कर रहे हो तो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। और तुम्हारा आज का दिन कैसा है? Oh, I'm totally packed. My calendar has zero space. Like, अरे बाप रे बाप, back to back. अरे बाप रे बाप. आज खाना देख लेना अपने आप. तो फिर तो मैं भूखा ही रहने वाला हूँ भाई आज। 8 hours later. अगर आप लोग को याद हो कि कुछ दिन पहले जब मैं ब्रैम्पटन जा रहा था अपने पुलिस क्लियरेंस के लिए, मेरा प्लान था बाइक पे जाने का, लेकिन मैं बाइक पे नहीं जा पाया था क्योंकि मैंने बताया था आपको कि बाइक में जो टायर है, पीछे का टायर है, उसमें एक नेल है, ये रहा वो नेल, तो मैं अभी कोशिश करूंगा इसको पंचर बनाने की। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट काम क्यों है, क्योंकि कैसा होता है ना, कार में पंचर बनाना और मोटरसाइकिल में पंचर बनाने में बहुत फर्क है, वो भी ऐसी मोटरसाइकिल में। इसके जो टायर्स होते हैं यूजुअली इसमें रेकमेंड नहीं करते हैं पंचर बनाना, क्योंकि जब आप हाई स्पीड पे जाते हो तब वो स्टेबिलिटी में थोड़ा सा इश्यूज होता है। लेकिन नेल है उसको निकाल के देखूंगा, अगर ये नेल जो बहुत बड़ा है तो मैं पंचर नहीं बनवा पाऊंगा, तो मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, मेरे को एक नया टायर ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नेल छोटा है तो पंचर बन जाएगा, तो मैं कोशिश पहले ये करूंगा कि पंचर बनाऊं, थोड़े दिन चला के देखूं स्लो स्पीड पे, मीडियम स्पीड पे, हाई स्पीड पे, एंड देन उसके बाद डिसाइड करूं कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देन आई विल जस्ट गो एंड चेंज द टायर। यहाँ पे देखो मैं पानी स्प्रे करके देखा, मुझे दिख तो नहीं रहा है कोई बबल है,
तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये शायद पंचर ना हो. बहुत हल्का हल्का यहाँ पर दिख रहा है कि बबल है, बट आई एम अगेन नॉट श्योर. ऐसा हो सकता है कि जैसे लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो कि जब मैं कार के, जब मैं टायर चेंज कर रहा था, जब अपने विंटर टायर्स को हटा के ऑल सीजन टायर्स डाल रहा था, तभी भी मुझे लगा था उसके अंदर एक नेल है. मैं पंचर किट सब कुछ रेडी रखा था मैंने बनाने के लिए, लेकिन जैसे मैंने नेल निकाला वो इतना सा नेल निकला. तो फिर अगर वैसा ही केस है तो मेरे को फ़ायदा है, चलो ठीक है, थोड़ी मेहनत करेंगे, वो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी. क्योंकि अगर छोटा नेल है तो अपने को टायर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा. तो यहाँ पर मेरा वो पंचर किट जो है, प्लग वगैरह सब रेडी है. मोमेंट ऑफ ट्रुथ निकाल के देखते हैं. आ जाओ, हवा निकल रही है, निकल रही है हवा, निकल रही है, आवाज आ रहा है. अरे बाप रे, पूरा ये तो अच्छा खासा होल हो गया है यार. अलग अजीब, ये नेल नहीं, कुछ गंदा सा कुछ है, लोहे का टुकड़ा. ये देखो क्या निकला इसके अंदर से, कुछ तो निकला है. अभी यहाँ से अगर मैं छोड़ दूंगा बेटा, समझ नहीं आता ये ऐसे खड़ा कैसे होता है, पता नहीं ऐसे कैसे चला जाता है. हवा निकल रही है ना, ज्यादा बड़ा होल नहीं लग रहा है मुझे. सो आई कैन ट्राई टू फिक्स दिस. एक्चुअली दो जगह से है, चल यहाँ से भी है होल और यहाँ से भी है, लेकिन हवा यहीं से आ रही है शायद. और बड़ा कर देते हो तो वो थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता ना, अगर कुछ रहेगा तो उसके अंदर, वरना वो जाएगा नहीं उसके अंदर. ओके, रुक तो गया है, पानी मार के देखते हैं तो पता चलेगा. ठीक लग रहा है अभी तो, नहीं हवा तो नहीं निकल रही है. देखो ना, देखो, यू कैन आल्सो ट्राई बाय फिलिंग द एयर एंड देन चेकिंग द लेवल. हाँ हाँ वही करूंगा मैं, हवा भरने. ये देखो ना, हवा कम हो गई है, हवा तो बहुत कम हुई है. वो फस पूरा निकलता गया, डीप सा शार्प सा चीज. हाँ देखो ना कैसा है ये, पता नहीं रोड पे पड़ा कैसे होता है कि ये डालने के लिए घुस जाए बाइक के अंदर. ये कट कर दिया तो ये थोड़ा सा फ्लैट टाइप हो गया टायर के साथ ही. अब चलते चलते वो इट ब्लेंड इनटू द टायर, ओनली रबर ही रहता है ना. हाँ ब्लैक हो जाएगा वो. देखो वो भी लगा हुआ है, वो लगाने का ट्राई कर रहा है कि पापा ने कट कैसे कर दिया इसको. है ना, जैसे मैंने बाइक यहाँ पर डन जैसे ना मैंने बाइक, जैसे मैंने बाइक ऐसे खड़ी की ना यहाँ पे, तो ऐसे चल के आया और बाइक को ऐसे हग कर देता है. तो पापा बाइक बाइक ठीक है, बाइक है ना, यू विल राइड द बाइक. हाँ बोलता है. हवा तो नहीं निकल रहा है, आई थिंक इट शुड बी ओके. बट बस ये है कि ये सेफ होना चाहिए, क्योंकि मेरे को डर ये है कि हाई स्पीड पे कोई पंगे नहीं देना चाहिए. तो मैं थोड़ा चला के देखूंगा, देन डिसाइड करूंगा क्या करना है. अगर नहीं तो फिर चेंज. हाँ नहीं है तो फिर जो चेंज करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा. वो $400-500 का टायर आएगा, वो जो है सो है. बाइक बड़ी महंगी पड़ रही है बहुत ज्यादा. सो यू शुड थिंक नाउ. नो आई एम नॉट थिंकिंग. ये शौक ना हर लड़के के शौक होते हैं भाई, मोटरसाइकिल के शौक हर लड़के के होते हैं. ऑल द वुमेन इन द हाउस, बॉयज रिप्लाई मत करना, मुझे आपके रिप्लाई नहीं चाहिए. ऑल द वुमेन इन द हाउस प्लीज रिप्लाई करिए कि बाइक चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए. इतना रिस्की मामला है, वो भी यहाँ के इतना 130-140 स्पीड करते हैं ये लोग. प्लीज रिप्लाई करिए इन द कमेंट्स बिलो एंड टेल हिम नॉट टू राइड द बाइक. 130-140 तो जो बोलते हैं, बाकी तो जो स्पीड करते हैं वो हमको पता है. ओके देन नाउ यू नो इवन बेटर आपको क्या रिप्लाई करना है. मैन इन द हाउस ऑल्सो, अगर आप मेरे फेवर में तो आप रिप्लाई करना, वरना आप रिप्लाई मत करना. एंड ये मैंने मंगाया है अमेजोन से, डिजिटल इन्फ्लेटर एयर कंप्रेसर क्या जो भी है, इसको पहली बार मैं ट्राई करने वाला हूँ. इसका फंडा सिंपल है, गाड़ी से कनेक्ट हो जाता है एंड देन बाइक में हवा भर देगा ये, या गाड़ी में भी भर सकते हैं. ये सिगरेट लाइटर से कनेक्ट हो के ये आ गया है यहाँ पर, ये देखो इसमें मैंने वायर कनेक्ट कर दिया है. एंड यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स रेयर में कितना प्रेशर होना चाहिए, तो मैंने वो सेट कर दिया है 39 पे, यहाँ 39 पे ये सेट कर दिया. अब इसको स्टार्ट करते हैं. वाओ, 39 पे आया और ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गया. ग्रेट 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 परचेज यार. मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ इतनी नेसेसरी है घर में होना, बिकॉज कभी आपका फ्लैट टायर होता है, कभी आप रास्ते में जा रहे हो, गाड़ी में भर सकते हो. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट परचेज, वेरी हैप्पी विथ इट कि मैंने खरीद लिया और 39 पे बराबर रुक गया. वैसे मैंने वापस रीड किया तो इसमें पीछे वाले में 42 PSI भरना है, आगे वाले में 36 भरना है. तो मैं इसको 42 पे टॉप अप करूंगा, दो चार दिन मॉनिटर करूंगा कि वापस से हवा निकल रही है या नहीं निकल रही है, चला के देखूंगा, तब पता चलेगा कि यार ये सही है डिसीजन इसको पैच करना या फिर मेरे को नया टायर लेना पड़ेगा. जैसे ही मैं बाइक पार्क करने आया, मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर चेन पे. ये देखो यहाँ पर रस्ट पकड़ रहा है
और तो और आगे भी जब मैं घुमाऊंगा, ये देखो कितना सारा रश पकड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ा टेंशन वाला काम है, ये तो मतलब खर्चे पे खर्चे कितना खर्चा करेगा बंदा। तो मैंने बोला यार ये इसको अभी के अभी ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको मैं फटाफट से चेन क्लीन कर दूंगा, चेन लूप कर दूंगा। लास्ट टाइम जब मैं राइड पे गया था यूएसए, तभी भी मेरे फ्रेंड्स जब मेरे साथ जो थे वो लोग अपना चेन लूप कैरी कर रहे थे और उन्होंने चेन लूप किया था, मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डर लगता है जब मैं चेन लूप करता हूँ और उसका जब मैं तुरंत राइड करना शुरू करता हूँ ना, तो जो भी चेन का जो एक्स्ट्रा लूप रहता है ना वो जाकर टायर पर उड़ता है, एंड जब टायर पर उड़ता है तो जब आप थोड़ा फास्ट चला रहे हो, थोड़ा सा भी आप बेंड कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में मेरे को बड़ा डर लगता है कि यार कहीं गिर ना जाए बंदा, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। अभी मेरे को पता है कि मेरा कोई राइड आने वाला नहीं है फिलहाल, तो मैंने कहा इसको फटाफट एक काम निपटा डालते हैं। ये देखो तीर्थ ने क्या कर दिया, चेरी दिया था इसको जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा था और आपसे बातें कर रहा था, ये देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर चढ़ के सारा चेरी जो है उसके हाथ में, ये देखो सारा उसके हाथ में चेरी है, उठा के उसमें डाल रहा है। ओए गंदी हो रही है बाइक मेरी, यहाँ चल पूरी गंदी कर रहा है बाइक। जब बड़ा हो जाएगा ना तब इसको बताऊंगा कि बेटा जब तेरी बाइक होएगी ना उसको गंदी करूंगा मैं, जब तुम्हारी बाइक को गंदी करूंगा ना तब पता चलेगा। करूं गंदी आपकी बाइक, आपकी बाइक को गंदी करूं? तो देखो क्या मजे से कर रहे हैं, देखो हाय कितना एंजॉय है, चीची कितना गंदा कर दिया। एंड एक क्विक वर्ड ऑफ एडवाइस, जब भी आप अपनी बाइक की चेन क्लीन कर रहे हो मेक श्योर कि आप बाइक चालू करके चेन को ना घुमाओ, इस तरह से हाथ से अपने टायर को घुमा घुमा के चेन क्लीन करो, बिकॉज बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि किसी की उंगली चेन के अंदर आ गई है यहाँ पर, एंड उस इंसान को अपने हाथ से उंगलियों से हाथ धोना पड़ा है। सो प्लीज मेक श्योर करो कि ये थोड़ा सा कॉशन रखना। ये देखो चमकती हुई चेन, आई थिंक अभी कहीं पर भी जो रश था वो तो नहीं होगा, अगर होगा तो वो धीरे धीरे चला जाएगा, बट अगर आप देख रहे हो मस्त चेन चमक रही है। तो मैंने क्लीन कर दी चेन, अच्छे से साफ कर दी, पानी से धोया, फिर शैम्पू रहता है उससे धोया, फिर उसके बाद मैंने ल्यूब कर दिया। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान देखो मेरे को तो मजा आ ही रहा था, लेकिन मेरे साथ कौन कंपनी दे रहा था पता है? ये तीर्थ, यू लाइक बाइक उसको इतना मजा आ रहा है ना, वो पूरा टाइम इधर ही खड़ा है। मैं जब अंदर जा रहा हूँ घर के कुछ भी सामान लेने के लिए, कपड़ा लेने या सोप लेने या कुछ शैम्पू लेने, वो बाहर भाग के मेरे पीछे पीछे आता है, एंड देन फिर बाहर भाग के आता है। मैं अगर अंदर रुक जाता तो बाहर आके भाग के आता है और बोलता है पापा पापा बाइक बाइक बाइक। मैं कहा वाह बेटा ये असली बाइकर बनेगा मेरा बेटा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। ओहो यार क्या जबरदस्त बनाया है यहाँ पे, पता है अगर आप लोग को याद हो, अगर दे चेंज द होल एंटायर थिंग, आई नो, तो मैं वही बता रहा था, अगर आप लोग को याद हो हम लोगों ने टूटू को प्रॉमिस किया था कि हम लोग उसको पार्क ले जाएंगे जिस दिन वो अपना रूम क्लीन करेगी। अब उसका रूम क्लीन करके ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गया, लेकिन हम लोग को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था शाम को निकलने के लिए घर से। आज जब हम आए हैं इस पार्क में, वो तो सरप्राइज क्या, हम सरप्राइज हो गए, पूरा पार्क इन्होंने नया बना दिया। ये जो आप देख रहे हो ये इन्होंने नया नया लगाया है, वहाँ पर सारा, यहाँ पर एक ना बहुत बड़ा सा एक ऐसा हुआ करता था जिसके अंदर से चल के जाते थे। आई नो, तो यहाँ पर जैसे एक बड़ा सा ये हुआ करता था जैसे जिसके ऊपर बच्चे चल के जाते थे, वो उन्होंने निकाल दिया, सारे नए स्लाइड लगा दिए, सारे नई, यहाँ पर इतनी बड़ी वाली स्लाइड लगा दी है, ये बड़ी वाली स्लाइड है, वहाँ पर पीछे आप देख रहे हो झूले सारे नए लगाए उन्होंने, वहाँ पर अगर आप देख रहे हो देखो उन्होंने अभी भी मल्च भरी नहीं है, वहाँ पर पेंडिंग है मल्च भरना। सो मतलब इतना मतलब चेंज हो गया है यहाँ पे, टूटू जैसे भाग के आई उसका ऐसा हो गया ना, वो ऐसे भाग रही है, ऐसे भाग रही, बोल रही है वाओ पापा वाओ कितना अच्छा है कितना अच्छा है, उसके पीछे मैं भी भाग रहा हूँ वाओ टूटू वाओ कितना अच्छा है, इतना ज़्यादा एक्साइट हो गए हम लोग ये देख के। अब क्योंकि ये हमारे घर के बिल्कुल पास है तो यार बच्चों के लिए समर में बेस्ट चीज़ हो गई है ये। आपको याद हो यहाँ पर वहाँ उस तरफ उस कॉर्नर में एक ब्लू कलर का लाइन से मंकी पार हुआ करता था, अभी उन्होंने चेंज कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया लेकिन बहुत बढ़िया कर दिया है। अब वो एक और मंकी बार वहाँ पर इंस्टॉल किए, ये रहा एक और रिंग वाला मंकी बार, और यहाँ पर उन्होंने इंस्टॉल किया ये वाला फ्लावर टाइप का डिज़ाइन है। चलो देखो कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि देखो कितना ट्रिकी हो गया अभी ये, वैसे तो सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल था, और ये अभी कैसा ना ये स्ट्रेट रॉड है फिर ऐसे सर्कुलर रॉड्स हैं तो और डिफिकल्ट हो गया ये। वाओ टूटू गुड जॉब, ओहो गुड जॉब, और ये वाला भी इन्होंने नया बनाया छोटे बच्चों के लिए वॉल क्लाइंबिंग, और तीर क्या मस्त कर रहा है, टिकी वो चढ़ गया पूरा ऊपर, सो गुड। तो टाइम हुआ है 7:43-45 समझ लो, और कैसा रहा यहाँ का पार्क? अरे पार्क बहुत सही कर दिया यार, एकदम न्यू कर दिया, तो इट्स लाइक
कोई भी चीज नई हो जाती है तो अच्छी लगती है ना, तो वैसे मजा आया बच्चों को, टूटू को, तीर्थ को, दोनों को एंजॉय किया और इनके बाप ने भी बहुत एंजॉय किया। अरे मैंने भी बहुत एंजॉय किया टूटू, आपने? It was so good. I loved the park. आपने एंजॉय किया? वेरी नाइस। चलो यार तो आज के वीडियो को यही करते हैं एंड, अभी घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे एंड फिर वापस कल से ऑफिस। सो आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ या किसी भी एक फैमिली मेम्बर के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कुछ अच्छा लगा हो कुछ बुरा लगा हो कॉमेंट्स में जाके कॉमेंट कीजिए। मज़े की बात है, ये सारी चीज़ें फ्री है तो प्लीज़ कीजिए। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ। No, Tiki, stay safe. Stay safe.